झारखंड, पश्चिम बंगाल में अमित शाह प्रचार करेंगे। खूंटी, नादिया और बीरभूम में अमित शाह की मेगा रैलियां हैं। आसनसोल में आज शाम शाह रोड शो करेंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार में जुटेंगे। पंचकुला और चंडीगढ़ में जेपी नड्डा प्रचार करेंगे, तो वहीं कन्नौज में राहुल और अखिलेश भी मेगा रैली करने वाले हैं। जाहिर है सियासी वार पलटवार चरम पर है। जब राम मंदिर का निमंत्रण यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। लोग 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। इस बार कन्नौज पूरा हिसाब किताब करने जा रही है, खासकर उन लोगों के साथ जिनका होर्डिंग से चेहरा गायब है। अरे डबल इंजन की सरकार है, अपने खटारे इंजन का तो फोटो लगा देते। अब पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के आशीर्वाद के दावे कर रहे हैं। अब सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जब जनता का फैसला पूरे देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है, लेकिन आज इस पर फैसला आ सकता है। पिछले सुनवाई में बिना आदेश के ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद आज इस पर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर आफत बरकरार रहेगी, इस पर पूरी तस्वीर आज साफ होगी। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। तो केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हलफनामा दाखिल किया था, जो कि तिहाड़ में बंद है। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि केजरीवाल की रिहाई के बारे में सोच सकते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट इसी पर फैसला सुना सकता है। लेकिन सुप्रीम फैसले से पहले केजरीवाल के सामने नई मुसीबत है। क्या वो मुसीबत है, देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल पर मुसीबत वाली नई तलवार। प्रचार नहीं अधिकार, ईडी का पलटवार। नया हलफनामा, जमानत पर संकट। जेल या मिलेगी बेल, आज सुप्रीम फैसला। अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन इस सुप्रीम फैसले के पहले ही सीएम केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा, लेकिन इस फैसले से पहले ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर ऐतराज जता दिया है। इसे कानून, संविधान और मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अदालत में जो एफिडेविट फाइल किया है, उसमें कहा है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना न मौलिक अधिकार है न ही कानूनी अधिकार। ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पिछले 5 साल में 123 इलेक्शन हुए। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अगर कोई रियायत दी जाती है तो समानता कानून के लिए ये अभिशाप होगा। यानी ईडी ने सीएम केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या आज केजरीवाल को जमानत मिलेगी।
केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस बड़ी खबर की जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। जी हां, चार धाम की यात्रा आज से शुरू हो रही है। जी हां, अभी 6:55 पर कपाट खुलने वाले हैं, उसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं और हर एक पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था इस बार कर ली गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार टोकन की व्यवस्था है, भीड़ ज्यादा होगी, इसे देखते हुए टोकन दिया जाएगा और उसके जरिए मंदिर में दर्शन करेंगे। फूलों से सज गया है पूरा केदारनाथ, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये, क्योंकि आज से कपाट खुलेंगे, आज से दर्शन शुरू होंगे। आज से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा, 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आज खुलेंगे कपाट, तो वहीं 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। मिस यूनिवर्स एनिस पलासियोस ताज का दीदार करने आगरा पहुंची। मिस यूनिवर्स ने ताजमहल का इतिहास भी जानने में दिखाई दिलचस्पी, ताज के साय में की गई जमकर फोटोग्राफी। यूपी के झांसी में एंटी करप्शन थाने के सामने हुई जमकर मारपीट, महिला सुरक्षाकर्मी ने सब्जी बेचने वाली महिला को जमकर पीटा। यूपी के मथुरा में दो पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे, प्रसाद और फूल माला के दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के आगरा में कपड़े के शोरूम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के हाथरस में दो महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में गंगा नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई, मौत की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। यूपी के बदायूं में खेत पर जा रही महिला पर आवारा सांड ने हमला किया, इलाज के दौरान महिला के अस्पताल में मौत हुई। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, आग लगने से घर में रखा